नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, यू न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की एक खास खबर। देखिए हमारे चैनल को मिली एक वीडियो जिसमें साफ दिखाई दे रही है बच्चों की परेशानियां। वहीं पर सरकार से गुहार लगा रही है एक माँ। मैं जिला शामली से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे जिंद किशनपुरा में फैक्ट्री में काम करता था, मगर हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। और मेरी दवाई भी चल रही है जो कि सहारनपुर से चल रही, ठीक है। तो मेरे पास दवाई की कमी पड़ रही, दवाई ख़त्म हो चुकी है और मुझे मेरे घर पे जाना है। और कुछ भाई है वो मुजफ्फरनगर से है भाई, ठीक है, ये मुजफ्फरनगर से है, इनको भी नहीं घर जाना है। सरकार से हमारी अपील है कि हमें घर पहुँचा दो। और दूसरा, कोई भी खर्चा होगा घर जाने तक का वो आप सब हम देंगे, ठीक है। मैं थाने बोर्ड की निवासी हूँ। मेरी सरकार से अपील है। मेरा बेटा अमन जी हरियाणा में काम करता है, जो कि लॉकडाउन में फंसा हुआ है, जिससे दवाई जिसकी दवाई थाने बोर्ड से चल रही है। मेरी सरकार से अपील है, मेरे बच्चे वहाँ पर परेशान है, दवाई भी खत्म हो गई है। मेरी सरकार से मेरी सहायता करो की कृपया करें। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।